रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी मिल सके। आज जो मैं आपके लिए वजीफा लेके आई हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत लाजवाब। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर ये वजीफे पेश किए जा रहे हैं। वजीफा क्या एक अमल की तरह काम करता है, और अमल आपको पता है उसके कुछ शर्त होते हैं, और उसको अमल को अमल की ही तरह अगर किया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वजीफा करें या फिर अमल करें, मतलब कि जैसे आपका कोई रूट गया है, कोई प्यारा आपसे दूर है, नाराज़ है, अगर आप उसके लिए वजीफा वगैरह करवाना चाहते हैं, या फिर एक नक्श हमें मोकलिन नक्श, हुबे मोकलिन नक्श उसको कहते हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता दें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, उसका थोड़ा सा हदिया है वो आपको देना पड़ेगा, कम अज़ कम 1,000 से 2,200 तक उसका हदिया है। वो आप हमें अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे पाकिस्तान में हैं तो इसी पैसा के ज़रिए आप ले सकते हैं, और अगर मुल्क से बाहर हैं तो फिर आपको थोड़ी सी जो है मुश्किल से दरकार होना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सूरह फातिहा का, मोहब्बत का लाजवाब आज मैं अमल आपको बताऊंगी, और वजीफ़ा भी इसे कहते हैं। तो अमल और चीज़ होती है, वजीफ़ा और चीज़ होती है, कि आपने ये जो अमल है ये इस तरह करना है कि आपने अपने जहन में जो है अपने प्यारों का, जिसको आप बुलाना चाहते हैं या जिसको आप अपनी अपने आप से मुसख़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। तो ये वजीफ़ा एक दफ़ा करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसा आप चाहेंगे अल्लाह पाक वैसी ही मुराद आपको अता करेंगे। और एक बात याद है कि शरीयत का ख्याल रखें। और सूरह फातिहा को आपने पढ़ना किस तरह है, अब ये भी आप सुन लें। इतवार वाले दिन ये अमल करें या पीर वाले दिन ये अमल करें, सूरह फातिहा को आपने कम अज़ कम जैसे ही अज़ान होती है उस वक़्त आपने सिर्फ 3 या फिर 7 या फिर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। एक बात याद रखें कि वजीफे अमल की ही तरह होते हैं, लेकिन वज़ाइफ के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है और अमल के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जब अज़ान हुआ करें इसके बाद सूरह जो है फातिहा पढ़ेंगे, और हर नमाज के बाद कम अज़ कम आपने 3 मरतबा या पढ़ लिया करें या अज़ान हो तब पढ़ लिया करें, दोनों ऑप्शन में रोज़ाना कम अज़ कम ये 5 दफ़ा अमल आप दोहराएंगे। सिर्फ 3 दिन करना है आपने ये अमल, और आप इसका जो है असर देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कि आप यकीन माने कि जो आपसे दूर है, जो आपसे नफ़रत करता हो ना, बहुत नफ़रत करता हो, अदावत रखता हो, उसके लिए भी ये करें तो इंशाल्लाह वो भी नरम होके और आपसे मुसख़र होके आप तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जो हुबे नक्श जो होते हैं वो आप लेना चाहते हैं, तो नक्श के लिए आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं, हुबे नक्श आपको आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मसला हो या इस्तखारा वगैरह हो वो हल किया जाए, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।